हेलो स्टूडेंट, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। सफलता के लिए अभ्यर्थी प्रतिभागी को यह जानना आना चाहिए। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी। एमवीएसयू यानी कि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटी मुंद्री कैथल की तरफ से नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन इनवाइट करी गई है, एडवर्टाइजमेंट दी हुई है हमें। और इससे पहले हम जो एडवर्टाइजमेंट पढ़ी थी वो टीचिंग पोस्ट के ऊपर थी। अब ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये नॉन टीचिंग पोस्ट के ऊपर है, तो इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन इन्वाइट करी गई है वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, और ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर लिखी हुई है, उसमें आप जनरल इंस्ट्रक्शंस, कंडीशंस और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जानकारी पा सकते हैं www.mvsu.ac.in पर जाकर। और इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है कि कौन कौन सी पोस्ट हैं नॉन टीचिंग पोस्ट, जैसे कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, डायरेक्टर यूथ वेलफेयर, प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट, अकाउंट असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, हॉस्टल वार्डन, ड्राइवर, क्लर्क कम डीईओ, अकाउंट्स क्लर्क, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट इंग्लिश, लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट, दफ्तरी, स्टोर कीपर, वर्क सुपरवाइज़र, हॉस्टल अटेंडेंट फीमेल, लाइब्रेरी अटेंडेंट और माली कम चौकीदार, ये कुछ पोस्ट अवेलेबल हैं। इसमें आपको लिखा हुआ है कौन कौन सी पोस्ट कौन कौन सी कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पे स्केल यहाँ पर लिखा हुआ है FPL 10, FPL 9, FPL 6, इसी तरीके से हर पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको दिया हुआ है। आगे चलते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस की डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं कि ग्रेड ए और बी पोस्ट के लिए जो है मेल कैंडिडेट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट फीमेल नॉन हरियाणा रेजिडेंट 1200 रुपये हैं, फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंट के 600 रुपीज़ है। एससी बीसी ईडब्ल्यूएस के मेल के लिए 300 है, एससी बीसी ईडब्ल्यूएस के फीमेल के लिए 150 है। ग्रेड सी और डी में मेल इरिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट फीमेल नॉन हरियाणा रेजिडेंट 600 है, फीमेल ऑफ हरियाणा रेजिडेंट ओनली 300 है। एस सी बी सी ई डब्ल्यू एस के मेल के लिए 150 है और एस सी बी सी ई डब्ल्यू एस के फीमेल के लिए 75 रुपीज़ है। ये थे आपके एप्लीकेशन फ़ीस। और पी डब्ल्यू डी के किसी भी कैटेगरी के जो है कैंडिडेट्स उन्हें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। इसके बाद आपको लिखा हुआ एप्लीकेशन फ़ीस शेप ऑफ बैंक फाइनेंस ऑफिसर MVSU एज पेबल एट कैथल शुड बी अटैच्ड विद ईच एप्लीकेशन फॉर्म। और प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन यहाँ पर लिखी हुई है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन UGC 7-point स्केल, एटलीस्ट 15 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर स्केल 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर विद एक्सपीरियंस इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अलावा यहाँ पर असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए जो है पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आचार्य मास्टर्स डिग्री विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन इक्विवेलेंट ग्रेड ऑफ बी इन UGC 7-point स्केल, डिजायरेबल नॉलेज ऑफ संस्कृत, एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1 ईयर इन एन इंस्टीट्यूट। और हर पोस्ट के हिसाब से कैसी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम फिलहाल आगे चलते हैं, आगे कौन सी डिटेल्स हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर पोस्ट के हिसाब से आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी हुई है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस पर आते हैं, यहाँ पर आपको दी हुई है जनरल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें बताया गया है कि आपको जो वेबसाइट पर इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी उसको केयरफुली रीड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले आपको ये चेक करना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और फिर आप एप्लीकेशन फिल करें, आपको इसकी और डिटेल्स यहाँ पर दिख जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पर एज जो है मिनिमम 18 ईयर्स और अपर एज लिमिट 50 ईयर्स होगी। और इसके अलावा रिटन एग्जामिनेशन के बारे में लिखा हुआ है कि कोई भी अनफेयर यूज़ नहीं करना, आपको कोई फेक इंस्टीट्यूशन नहीं लिखना,
नहीं तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्रॉट एट द स्क्रूटनी, सिलेक्शन के टाइम पर आपको डॉक्यूमेंट्स लेकर आने हैं, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, डॉक्यूमेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो कि आपको मेंशन करे गए हैं आपकी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे। और रिजेक्शन एप्लीकेशन के यहाँ पर लिखे हुए कॉजेस, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये दिया हुआ आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इस फॉर्मेट में आपका एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, आप इसको देखें समझे किस तरीके से है। मैं धीरे धीरे आपको जो है पूरा दिखा देता हूँ। और ये था आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन और आपके फॉर्म के रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहते हैं, तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको डेली ऐसे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और हमारी एक लेटेस्ट वैकेंसीज़ के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पर जो है आपको डेली अपडेट्स मिलते रहेंगे। अगर कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव पोस्ट जो है लॉन्च होगी या रिक्रूटमेंट होगी। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.kushmanda.com। नेक्स्ट वीडियो के साथ भी बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। हमारी टेस्ट सीरीज स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।